हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। आज मैं आपको फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। फॉर्मूला, इतने सारे क्वेश्चन मार्क कैसे आ गए? एक बार की बात बताता हूँ, इसी फॉर्मूला पे काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, सर ये फॉर्मूला क्या है, इतने लेंथी फॉर्मूला हमें लर्न नहीं होते और मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से इसे लर्न भी कर लें तो इसे कैसे अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता, कैसे इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये सर बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। उन्होंने कहा सर ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अब खीर की बात आ गई तो उसे कैसे छोड़ सकते थे? उस टेढ़ी खीर को, उस फॉर्मूला नाम की टेढ़ी खीर को सीधा बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया, उसे मीठा बना के बिल्कुल खाया और उन बच्चों को भी खिलाया। आज वो बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, कहीं उनको दिक्कत नहीं आती, कोई फॉर्मूला में उसको समस्या नहीं आती। उन्होंने फॉर्मूला नाम के डर को दूर भगाया और उस खीर को खाया, और आज यही करने वाले हैं। आपको भी ये फॉर्मूला नाम की खीर को खिलाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप तैयार हैं इसी फॉर्मूला नाम की खीर को खाने के लिए? ओके, आर यू रेडी? स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखो, उसमें फोर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। फिर एक वीडियो है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो पहले वो टू वीडियोज देखो, उसके बाद में ये काम आएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ओके, सो शुरू करें। फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन है हमारा 3a प्लस 4b होल क्यूब। इसमें x का काम कौन करेगा? 3a। x का काम करेगा 3a एंड y का काम कौन करेगा? 4b। अंडरस्टूड? फर्स्ट टर्म x का काम करेगी और सेकेंड टर्म y का काम करेगी। सॉल्व करते हैं इसे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सो एक्स क्यूब सो 3a क्यूब प्लस वाई क्यूब इट मीन्स 4b क्यूब प्लस 3xy, सो 3 मल्टीप्लाई x 3a मल्टीप्लाई y 4b। ओके, नाउ ब्रैकेट x प्लस वाई, सो 3a प्लस 4b। अंडरस्टूड? जैसा हमारा फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। नाउ 3a होल क्यूब इट मीन्स 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 a क्यूब प्लस 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 a मल्टीप्लाई b। कोई दिक्कत इसमें, मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 3 जा 9 किया, 9 4 जा 36 और a और b मल्टीप्लाई होके ab बना लिया। ओके, नाउ 3a प्लस 4b एज इट इज आ गया। अब आगे चलें, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, अब 36ab इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 36ab मल्टीप्लाई 3a, सो 36 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 108 ab मल्टीप्लाई a, सो a स्क्वायर b। ओके, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108 आ गया, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और b एज इट इज आ गया। ऐसा ही काम आगे करना है, प्लस प्लस प्लस। ओके, 36 को 4 से करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 2 14, 144 ab स्क्वायर। क्या आया? 144 ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से? सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आइडेंटिटी बेस्ड किया, तो क्या आंसर आया हमारा? 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर, इट इज आवर आंसर। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y। फॉर्मूला हमें लर्न करना है और फॉर्मूला लर्न करने के बाद किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वही बता रहा हूं। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन है 5p माइनस 3q होल क्यूब। यहां x का काम कौन करेगा, पता चला? x का काम कौन करेगा? फर्स्ट टर्म, सो 5p। y का काम कौन करेगा? 3q। y का काम 3q करेगा। सॉल्व करें, सो वी हैव टू सॉल्व x क्यूब माइनस y क्यूब, सो x क्यूब इट मीन्स 5p क्यूब माइनस y क्यूब 3q
क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स वाई, सो थ्री मल्टीप्लाई एक्स फाइव पी मल्टीप्लाई वाई थ्री क्यूब, ओके ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, सो फाइव पी माइनस थ्री क्यूब। अंडरस्टूड? नाउ 5p³, 5 का क्यूब होगा 125, p³ एज इट इज माइनस 3 का क्यूब 27 q³, ओके माइनस 3 5 जा 15, 15 थे जा 45 p³, ओके एंड 5p माइनस 3q एज इट इज। यहां तक कोई समस्या? समझ आ गया अच्छे से? यहां इसका क्यूब किया, इस टर्म में इसका क्यूब किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, तो 45 pq और 5p माइनस 3q एज इट इज आ गया। अब आगे चलते हैं, 125 pq माइनस 27 q³, ओके एंड माइनस 45 pq किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, सो माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 2 केरी 5 4 जा 22 ओके पी स्क्वायर क्यू। अंडरस्टूड? नाउ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, सो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 1 केरी 4 3 जा 12 113 135 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पी क्यू है और यहाँ क्यू अकेला है, तो पी तो ऐसा आ जाएगा और क्यू का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से? किस तरीके से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन को देखते ही पता लगानी है कि कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेगा। ये यहाँ 5p माइनस 3q क्यूब था, तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेगा? ये वाली आइडेंटिटी, ओके। यहाँ प्लस होता, 5p प्लस 3q क्यूब होता, तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करता? ये वाली। क्लियर है? 5p प्लस 3q होल स्क्वायर होता तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करता? जो प्रीवियस वीडियो में किया हमने, ओके okay, तभी कह रहा हूं, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a, x प्लस बी, ओके तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्यूशन किया तो। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत आई क्या? फॉर्मूला नाम की खीर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना, और अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी। अभी कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करेंगे, ओके? तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करें। आइडेंटिटी हमारी x³ प्लस y³ इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट x² प्लस y² माइनस xy माइनस xy। ध्यान रहे, माइंड में क्लिक होना चाहिए, x³ प्लस y³ इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस y² माइनस xy। बस ये चीज ध्यान रखना, माइनस xy, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, यहां प्लस का है फिर भी यहां पे क्या होगा? माइनस xy, ओके। फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला, x³ माइनस y³ इक्वल टू बिल्कुल उसी की तरह x माइनस y ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस y² प्लस xy, उसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस वाले में नेक्स्ट जो ब्रैकेट आएगा, जब माइनस का फॉर्मूला करेंगे तो उसका जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें माइनस नहीं आएगा। बिल्कुल अपने माइंड को सेट कर लो यहीं पे, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस नहीं आने वाला, उसमें x² प्लस y² प्लस xy आएगा, ओके। और प्लस वाले फॉर्मूला में x² प्लस y² माइनस xy आएगा, ओके तो इनमें दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, किस तरीके से लर्न होंगे, आपके मेमोरी फोल्डर में बिल्कुल सेव हो जाएंगे, ओके तो क्वेश्चन करें, 2m³ प्लस 4n³, ओके यहां x का काम कौन करेगा? 2m, y का काम कौन करेगा? 4n, ओके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करें, x प्लस y, सो 2m प्लस 4n, अंडरस्टूड? नाउ x² सो 2m² प्लस y² सो 4n² माइनस x मल्टीप्लाई y सो 2m मल्टीप्लाई 4n, ओके नाउ 2m प्लस 4n एज इट इज 2m होल स्क्वायर सो 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर m² प्लस 4 4 जा 16m² माइनस 4 2 जा 8mn। बात समझ में आ गई? अब हम इस ब्रैकेट की टर्म्स को इस ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद वापस ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा, तो हम यहीं तक रखेंगे, इट इज आवर आंसर।
अंडरस्टूड, हमें वापस ये थोड़ा ना बनाना है, इसको एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड कर दिया हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके आगे चलें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और हमारा क्वेश्चन है टेन क्यूब माइनस फाइव क्यूब, यहाँ एक्स का काम कौन करेगा 10 और वाई का काम कौन करेगा 5। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखें एक्स माइनस वाई, सो 10 माइनस 5। ओके एक्स स्क्वायर इट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सो 10 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज रखते जाओ, x क्या था हमारा 10, y क्या था 5, और उसी के अकॉर्डिंग रखते जाओ फॉर्मूला में लर्न है। 10 माइनस 5 5, ओके नाउ 10 स्क्वायर 100 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 10 5 जा 50। नाउ 5 एज इट इज, सम ऑफ दीज नंबर 125 175। ओके मल्टीप्लाई दिस नंबर सो वी गेट 5 जा 25, 2 कैरी 5 7 जा 35, 2 37, 3 कैरी 5 जा 5 एंड 3 8 875, इट इज आवर आंसर। ओके इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें 875। क्वेश्चन आता है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज करना है, उसको देख के ऐसा नहीं है मैं तो फटाफट बस क्यूब करके माइनस करना है, नहीं आइडेंटिटी के लिए बोले तो आइडेंटिटी बेस्ड ही करना है। Now students, our new identity is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। Okay? ये formula length ही लग रहा है पर इसको learn करना बहुत easy है, इसे ध्यान रखें x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। Okay? अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये काम हुआ, फिर क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नाउ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही सीक्वेंस फॉलो करेगा एक्स वाई जेड, ये सीक्वेंस में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा ही है तो करें फिर। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ओके सो वी हैव टू सॉल्व 8x क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 का क्यूब, 2 क्यूब एंड x क्यूब, ऐसा है 2 के भी क्यूब है और x के भी क्या है क्यूब, तो हम एक साथ लिख सकते हैं 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्लस वाई क्यूब एज इट इज प्लस 27, 27 को क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब, सो 3z होल क्यूब माइनस इसकी तरह बनाना है 3 मल्टीप्लाई एक्स का काम कौन करेगा, एक्स का काम कौन करेगा 2x, वाई का काम वाई एंड जेड का काम 3z। अंडरस्टूड? नाउ 2x होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3z होल क्यूब, 3 टू जा 6, 6 थ्री जा 18xyz। ओके ये हमारा LHS हो गया, ये वाली एक्सप्रेशन हो गई इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, सो ये एक्सपेंड करें x प्लस y प्लस z, x का काम 2x करेगा, y का काम y करेगा, z का काम 3z करेगा। ओके नाउ x प्लस y प्लस z, सो 2x प्लस y प्लस 3z। ओके x स्क्वायर, सो 2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट मीन्स y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इट मीन्स 3z होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? माइनस एंड नेक्स्ट xy, सो x इट मीन्स 2x multiply y, y, okay, minus yz, so y multiply 3z, minus zx, it means 3z multiply 2x, understood, 3z तो क्या है, z, और 2x क्या है, x, okay, now, 2x plus y plus 3z, and 2x whole square, so we get 4x square, okay, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर
सो वी गेट 3 3 9 z square। बात समझ में आ रही है अच्छे से। 2x multiply y, सो वी गेट 2xy माइनस y मल्टीप्लाई 3z, ये z है, ओके, सो वी गेट 3yz, ओके, नाउ माइनस 3 2 6xz, अंडरस्टूड? क्या मिला हमें इनको सोल्व करने के बाद? 2x का होल स्क्वायर किया, 4x square, y स्क्वायर एज इट इज, 3z का होल स्क्वायर किया, सो 9z square, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2xy, इसको किया माइनस 3yz, 3z मल्टीप्लाई 2x किया तो मिला हमें माइनस 6xz, ओके। तो इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करने से हमें ये मिला, इट इज आवर आंसर। अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट्स? आज हमने 5 आइडेंटिटीज करी और उन आइडेंटिटीज पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और इन फॉर्मूलाज को, इन आइडेंटिटीज को किस तरीके से लर्न करना है उसकी ट्रिक भी मैंने बताई, ताकि आपकी मेमोरी में सेव हो सके, आपको अच्छे से हमेशा के लिए ये याद रह सके ये आइडेंटिटीज, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला वाली खीर कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी, मीठी कैसे बनेगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको बता दिया, आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, आपको प्रैक्टिस करनी है इनके क्वेश्चंस पे, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। फिर आपको कोई डाउट आए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, किसी चीज़ में दिक्कत आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ क्या परेशानी है, क्या डाउट्स आ रहे हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी परेशानी दूर करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूंगा, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो इसे इंटरेस्टिंग बना पाओगे और ये फॉर्मूला वाला डर इसे दूर भगा पाओगे। एक और बात, इस नॉलेज के बीज को, इस मैथ्स के नॉलेज के बीज को बड़ा पेड़ बनाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कंप्लीटली आप मुझसे जुड़े रहोगे। वीडियो को डेली देखा करो, सुना करो, समझा करो, और कोई डाउट्स हैं तो मुझसे पूछा करो, ओके। डेली आप मुझसे जुड़े रहोगे, इस मैथ्स की क्लास लेते रहोगे तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। 15 डेज में आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे और डर का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, ओके। थैंक यू, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।